दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 जो कि क्लास 11th पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बेसिक डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर, इसको हम लिख देते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। और यही अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, फॉर एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, सपोज हमने Cl को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो Cl माइनस बन गया, ये हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर हमारा HF कोई बॉन्ड HF कंपाउंड है जिसमें जो बॉन्ड पेयर है वो किसकी साइड पुल हो जाएगा, F की साइड, क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको F पुल करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी।